सीजन 5 का मेला सजने में चंद घंटे बाकी। सेठी में होगी मैदान में और सबकी सब ही हैं ट्रॉफी उठाने को तैयार। पहला जोड़ रात 9 बजे कोटा ग्लेडिएटर्स इस्लामाबाद यूनाइटेड में पड़ेगा। पीएसएल से पहले कोटा ग्लेडिएटर्स को बड़ा धचका। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उमर अकमल को फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया। तहकीकात मुकम्मल होने तक उमर अकमल क्रिकेट सरगर्मियों में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। उमर अकमल पर खेल की साख मुतासर करने का इल्जाम। कार्रवाई एंटी करप्शन कोर्ट की दफा 4.7.1 के तहत अमल में लाई गई। उमर अकमल का मामला कई रोज से चल रहा था। पीसीबी ने उमर अकमल को पीएसएल से चंद घंटे पहले मुअत्तल करके अपने आप को मशकूक बना दिया। लगता है कार्रवाई उमर अकमल के खिलाफ नहीं कोयटा ग्लेडिएटर्स के खिलाफ की गई। सीनियर सहाफी हामिद मीर का ट्वीट। पीएसएल का जुनून सर चढ़कर बोलने लगा। पाकिस्तान में हॉलैंड के सफीर वॉल्टर प्लॉम्प भी पुरजोश। सिफारतखाने में बल्लेबाजी के जौहर दिखाए, खूब शॉट्स मारी और रन भी बनाए। और सुप्रीम कोर्ट का पीआईए का मुस्तकिल सीईओ लगाने का हुक्म। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, पीआईए के चार जहाज चले गए, इंतजामिया को खबर न हुई। सीईओ का तकर डिप्यूटेशन पर कैसे किया गया? अरशद महमूद मलिक एयरफोर्स में काम करें या पीआईए में करें, अरबों रुपए का नुकसान हो रहा है, हुकूमत को फिक्र नहीं। जस्टिस के रिमार्क समाज मार्च के लिए पहले हफ्ते तक मुलतवी। एक हमने ब्रिज फिनेंसिंग का फैसला किया है 20 बिलियन का। एक लिस्ट भी बनी हुई है और अब भी जो बेदखल लोग होंगे उन सब को मिलकर हम ये प्रोग्राम रखते हैं कि एक इनको अकोमोडेट किया जाए, कैश की सूरत में किया जाए या दूसरी सूरत में, ये भी हमने फैसला करना है अगले महीने। और KCR CPAC का एक माहदा है और ये हम कोर्ट में गुजारिश करना चाहते हैं कि ये $2 बिलियन जो हैं ये चीन के मिलने से ही काम सही तौर पर शुरू होगा और जो टाइम कोर्ट देगी उसमें हम इसे जो दिया है उसमें भी मुकम्मल करेंगे। एक हमने ब्रिज फिनेंसिंग का फैसला किया है 20 बिलियन का आपस में सिंध गवर्नमेंट, क्योंकि सिंध गवर्नमेंट का जो लोकल शेयर है वो भी इसमें 35% और 40% इस KCR में है। शाह साहब ने कहा वो तो 35 बिलियन इसमें KUTC में डालने के लिए तैयार हैं। 10 बिलियन सिंध गवर्नमेंट और 10 बिलियन मरकज़ की तरफ से डाला जाए। बाकी ये जो खबरें आ रही हैं कि सिंध गवर्नमेंट और हमारा कोई इख्तलाफ नहीं है जी, हम एक लाइन और लेंथ पे हैं। मैं ये बर्मला सुप्रीम कोर्ट में भी इतराफ़ कर चुका हूँ और सारी कौम के सामने भी करना चाहता हूँ कि ये कराची का मसला है और कराची के मसले में सिंध गवर्नमेंट जो है रेलवे से ज़्यादा अमली तौर पर इसको मुकम्मल करना चाहती है। हम उनके साथ खड़े हैं और हम उनके तमाम KCR के मसलों में उनके साथ खड़े हैं। और थर्डली जो है एक हमने कमेटी बनाने का फैसला किया है। फिफ्थ पॉइंट, पांच पॉइंट्स पर हमारा इत्तेफाक हुआ है कि रेल मरकज़ की तरफ से एक 21 ग्रेड के अफसर होंगे और सूबे की तरफ से 19, 20 और 2-3 अफसर होंगे और हमारा एक ही स्टैंड होगा, खा ये सुप्रीम कोर्ट हो। और इंशाल्लाह थोड़े ही दिनों में चाइनीज़ एम्बेसडर भी कराची तशरीफ़ लाएंगे और हम मिलके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, आपको भी दावत देंगे उसमें, हलीम की दावत देंगे आपको, और जिसमें हम ये तय करने जाना अरसा लेगा और सी पैक जो है कितने अरसे में मुकम्मल होगा, ये वो सारी रेलवे की सूरत हाल है। आप कोई सियासी बात करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं या रेलवे की भी जी।